जा रहे हो लड़का है हम लड़की है सपोज ना, अब क्या लड़की बनना पड़ेगा जो, तो जिसे कि ये आया नेचुरली मतलब उसका गला नहीं आते मेरा यही आएगा, यही आएगा नहीं ना मतलब नेचुरली मुश्किल होता है। तो ये हाथ क्या करता है कि यहाँ से नहीं उसे ना, यहाँ से नहीं उसे आउटसाइड से, हार्ट का आउटसाइड से नहीं उसे आपको इनसाइड से उसे हार्ट इनसाइड, एंड देन मेरा जो पोस्चर ऐसे होगा ना कि ऐसे पोस्चर, मेरा पोस्चर जो बॉडी का पोस्चर यहाँ से हम जो उसका सांस बंद हो रहा है जब पकड़ता है तो ना कि हम यहाँ से नहीं पकड़ रहे हैं, ठीक है हम लोग कहाँ से पकड़ रहे हैं, टेम्पल टेम्पल ना सुनाई दे रहा है ना अभी तो, अच्छा सुनाई दे रहा है। तो इसलिए बेसिक जब किसी का साथ में आप जब ग्रिप ग्रिप करता है तो पकड़ता है तो आप यहाँ से नहीं पकड़े, यहाँ से पकड़ेगा उल्टा आपको पूरा ले जाएगा, आपको पूरा ले जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से पकड़ेगा, टेम्पल। तो जैसे टेम्पल को टेम्पल से पकड़े, इंसान का सबसे वीकेस्ट पॉइंट यहाँ है, इंसान ह्यूमन का सबसे वीकेस्ट पॉइंट यहाँ। अगर थोड़ा सा आप ये आप कहना कहें वो बेहोशी हाली में होगा या अनकॉन्शियस होगा, ये बहुत वीकेस है। ये और चिन चिन बोलता है, चिन 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 ना राइट, चिन चिन को कुछ भी चुके देखो तो ऐसे जस्ट चुके देखो, चिन और ये दोनों सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। इसीलिए कभी कई बाई चांस कभी कोई फाइट का देखता है तो हम लोग जब भी फाइट का टारगेट कहाँ में होता है, चीन में होता है, इसको टच करने लगे इसमें अगर टच किया मतलब हथियाला बंदा भी वो डेफिनेटली अनकंसिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मार के फायदा नहीं है, अगर जब स्ट्राइक ही कर रहा है तो बॉक्सिंग ही मार रहा है तो आप चीन में लगाने की ट्राई करो, चीन चीन और यहाँ टेम्पल जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है इंसान का। तो आगे जैसे अगेन देखो जो हम जो जब टेम्पल को जब हम पकड़ा होता है तो मेरा नेचुरली पाँव जो क्या एक स्ट्राइकिंग का मूड में होता है मतलब ना, नेचुरली पाँव तो आगे हो जाता है तो ब्रेक हो जाता है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आप निबू राइट कितना भी स्ट्राइक कर सकते राइट। आज इतना दूर से आप लोग को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ आए हुए हैं ईटानगर से, तो आप लोग अच्छा से ध्यान से सीखेगा। और ये सेल्फ डिफेंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड और वोमन, क्योंकि आज का दुनिया सब देखा ही है गर्ल्स को, गर्ल्स एक इजी टारगेट इजी प्रे बनता है जहाँ भी जाओ ना, तो उस मोलेस्टेशन होता है क्या क्या होता है, तो उसमें अगर तुम सेल्फ डिफेंस जानेगा तुम तो विदाउट एनी वेपन आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट मेंटल फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, फिजिकली तो है ही है, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत लाभदायक है। और पढ़ाई में भी मतलब ध्यान, आप लोग का ध्यान ध्यान के लिए भी अच्छा है वो। सो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग का प्रोग्राम को अभी स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी द सेल्फ डिफेंस थिंग, और बच्चे अच्छा से सीखेगा, ठीक है, थैंक यू। आप कौन सा एनजीओ से यहाँ आए हैं जो कि सेल्फ डिफेंस यहाँ सिखा रहे हैं वो सब बता दीजिए, और सेकेंडली ये भी बता दीजिए कि सेल्फ डिफेंस का इम्पोर्टेंस कितना है लड़कियों के लिए वो बता दीजिए। थैंक यू मैम, माय सेल्फ मुंडा संगनो और ये अरुणाचल मार्शल आर्ट फॉर्म का हम चेयरमैन है। तो हम लोग ये एनजीओ का बेसिक मकसद ये है कि हम लोग लड़की बच्चा को, खास करके लड़की बच्चा को सेल्फ डिफेंस के बारे में, बेसिक सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाने के लिए, तो जाके हम लोग ईस्टर्न बेल का जितना भी जैसे नामसाई रोइंग तेजू पासीघाट, तो ऐसे करके मेरा लड़का लोग हर जगह में हम लोग टाई अप करके हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो वन वीक एक जगह में वन वीक ऐसे समय लेके हम लोग ट्रेनिंग को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और आज रोइंग में मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ का स्टूडेंट को देख के, इतना कोऑपरेट किया, और यहाँ का प्रिंसिपल मैम को दिल से थैंकफुल देता है, इतना अच्छा कोऑपरेट किया। और हर स्कूल में जाई भी स्कूल में हम लोग गया, जाई भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ट्रेन करा रहे, वहाँ का प्रिंसिपल सर डिटेचर सर बहुत कोऑपरेट किया, और खास करके स्टूडेंट लोग बहुत कोऑपरेट किया। और सेल्फ डिफेंस आज का दिन में ये है कि लड़की जब सेल्फ डिफेंस जानेगा तो अगर जानता है बोलने से एटलीस्ट
आप किसी डेंजर सिचुएशन में आप चलो लड़ नहीं सकता है बोलने से, आप एस्केप तो कर सकते हैं, वहां से आप बाहर निकल सकते हैं। तो हम लोग का भी बेसिक मकसद ये है कि सेल्फ डिफेंस, बच्चा को ये है कि हम लोग का भी मकसद जो ये है कि बच्चा को एटलीस्ट बेसिक चीज को बता सके बोल के हम लोग हर स्कूल में जा जाके हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आज का दिन में देखता हूँ सोशल मीडिया में रेप, मर्डर, मोलेस्टेशन, लड़की का ऊपर में मतलब इनजस्टिस होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी जानता है बोलने से, एटलीस्ट आप जो उसको डिफेंस कर सकता है। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।